अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर फ़रियाज़ खान। इस वक्त हम आ चुके हैं दी गराटो रावलपिंडी की मशहूर जलेबी सेंटर, और यहाँ पे आपको काफ़ी लाइन में लगी हुई नज़र आएंगी शॉप्स। और यहाँ पे जो सबसे मशहूर है ये गराटो जलेबी वाले हैं, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, और इनका काफ़ी कस्टमर हैं इनके काफ़ी, और बहुत पुराने कस्टमर हैं। देख सकते हैं कि दो तीन जनरेशन तो यहाँ पर ज़रूर आती होंगी जो भी रेगुलर कस्टमर होंगे। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर आए हुए हैं, आए इनसे फीडबैक लेते हैं कि इनका क्या ओवरव्यू है और इनका क्या परसेप्शन है इस गराटो जलेबी के बारे में, और ये क्या प्रेफर करते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि अगर आपने गराटो जलेबी या स्वीट डिश या आपने कोई मिठाई की दुकान पर आना है तो रावलपिंडी में कौन सी शॉप पर आना है। तो मैं एक भाई है, इनसे मैं इंटरव्यू लूँगा, तो मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? एहसन रजा नाम है। एहसन रजा भाई, एहसन रजा भाई, आप यहाँ पे गराटो जलेबी लेने आए हैं, गराटो जलेबी। आप, मुझे लगता है आप इसके रेगुलर कस्टमर हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तकरीबन कोई 10-12 साल से जब भी यहाँ से गुजर होता है लाजमी इनकी गराटो जलेबी खाता हूँ, और ये इस जैसी कहीं पर भी जलेबी नहीं मिलेगी आपको। इस तरह की दिखने में आपको बहुत जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा टेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे पिंडी में। आप क्या सजेस्ट करेंगे जो व्यूवर्स हैं हमारे, अगर वो देखें और पिंडी के रहने वाले हों और उन्होंने जलेबी टेस्ट करनी हो यहाँ की जो मशहूर है, तो वो आप क्या प्रेफर करेंगे, कौन सी शॉप पे आएँ, इनका क्या नाम है और आप क्या प्रेफर करेंगे इनको? पिंडी इस्लामाबाद में जो भी रहने वाले हैं और अगर वो जलेबी पसंद करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि इनकी जलेबी लाजमी खाएँ, और अगर उन्होंने एक दफ़ा ये खा ली तो दोबारा इधर नहीं जाएँगे। और इनकी गराटो जलेबी की ये दुकान बहुत पुरानी है। अच्छा, और इसके नाम की जैसी और भी बहुत सारी खुली है, लेकिन ये सबसे पुरानी यही और असली भी यही है। अच्छा, थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।